दिल्ली गौरव अवार्ड की श्रृंखला में आज हैं हम डॉक्टर एस के कौशिक के साथ, जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट करोरीमल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने एनसीसी में काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है, मोटिवेट किया है अच्छे नागरिक बनने के लिए। आइए डॉक्टर कौशिक से पूछते हैं कि ये सिलसिला इन्होंने कैसे शुरू किया और किस मुकाम पर आज ये हैं। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स एज आई एम इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम ऑल्सो कीन रिसर्चर। आई हैव पब्लिश्ड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। आई हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन वेवलेट्स एंड फ्रेम्स, विच इज़ टॉपिक ऑफ माई रिसर्च। आई हैव मैनी कोलोब्रेशंस विद मैथमेटिशियंस across our the whole of nation. गणित पढ़ाने के साथ साथ मैं एनसीसी ज्वाइन की। मुझे मेरे प्रिंसिपल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं एनसीसी संभालूं। एनसीसी संभालने के एक साल के भीतर ही मुझे पता चला कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए नेशनल सर्विस करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि एनसीसी में बहुत सारे वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो मैंने उन्हें प्रोवाइड की। आज तक 50 से ज़्यादा ऑफिसर्स यहाँ से हमारी एनसीसी से निकले हैं, वो आर्म फोर्सेस में और एलाइड फोर्सेस में कार्यरत हैं। सभी ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो लेफ्टिनेंट के रैंक से ऊपर आते हैं। सर, दिल्ली गौरव अवार्ड के का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा और आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जब मैंने सुना दिल्ली गौरव अवार्ड्स के बारे में, तो मुझे पहले तो हैरानी हुई कि क्योंकि मेरे पास भी कोई आया है ये जानने। यही एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो काम करते हैं और अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, उनको ढूंढने का काम दिल्ली गौरव कर रहा है, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। अगर वो इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, मुझे खुशी है कि मुझे नॉमिनेशन का मौका मिला है। मैं आज तक मैंने जो भी कुछ किया है दिल्ली के लिए या अपने देश के लिए, जिस भी तरह से किया है, वो मैंने आज तक कभी उसके वापस पाने का नहीं सोचा, किसी अवार्ड के बारे में नहीं सोचा। लेकिन दिल्ली गौरव ने मुझे फोर्स कर दिया कि मेरा जो काम है वो सबके सामने लाएंगे और मुझे अप्रिशिएशन के तौर पर नॉमिनेट करें। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो ऐसे ही लोगों को ढूंढें जो करते हैं बताते नहीं हैं, तभी ये सक्सेस मैं सोचता हूं कि होगी। तभी और से ज़्यादा लोगों को आप ढूंढ पाएंगे और उनको देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने देश के लिए काम करेंगे।